को फोन लगाता हूँ। कहाँ है करण बेटे, कहाँ पे हो करण? कहाँ है तू? हाँ डैडी, आ रहा हूँ। चल जल्दी आ जा यहाँ पे। ठीक है डैडी। आओ करण बेटे, आओ करण बेटे। काम काज कैसे चल रहा है? सब ठीक चला है डैडी। जो अपनी साइड में वर्कर वगैरह है सब काम काज देखने का, वो भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम काम में? नो डैडी। और देखो एक नया प्लॉट में देखा है काम का। अच्छा अच्छा। नया कंस्ट्रक्शन काम खड़ा करना है, नई बिल्डिंग बनानी है शॉपिंग सेंटर मोड, तो वो काम तुझे देख रहा है। ठीक है डैडी। मुंशी जी कहाँ है? मुंशी जी वो जो साइड का काम चालू था, काम पूरा हो गया क्या? सब काम हो गया है, रेडी पोजीशन में। तो ठीक है, एक नई साइड है जो हमें प्लॉट देखने जाना है और काम वहाँ चालू करना है, तो आप मेरे साथ चलो। चलो साहब। चलिए। देखो बेटे, जो जगह है ना, जहाँ तक नजर जा रही है ना, पूरी जगह पे हम बड़ी इमारत खड़ा करेंगे। मुंशी जी, जिसकी जगह है ना, उसको कॉन्टेक्ट करो और बोलो जगीरा ने बुलाया है। हम कोई भी काम ढीला नहीं छोड़ते, ठीक है? करो बेटा, ठीक है? ठीक है डैडी। बेटा जी डैडी, मुंशी है ना डी, वो जरूर पता लगा के आएगा, वो खाली हाथ नहीं आएगा। लो आ गया मुंशी। अब ये रहा जगह का मालिक और ये है जगह का पेपर। जो पेपर है ना, ये पेपर पे तू साइन करेगा। साइन नहीं करेंगे। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरा नाम जगीरा है और मेरी हुकूमत से लोग कांपते हैं और वहाँ मुझे इमारत खड़ी करनी है, समझा? हम गरीबों लोग के लिए झोपड़ा ही सही है, कोई इमारत नहीं चाहिए। जो पेपर है ना, उसमें कुछ सही करेगा। डैडी ऐसे नहीं समझेगा। मैं समझाता हूँ। समझा सारे का उसको। प्यार का भाषा नहीं समझ में आया, ले मर अभी। बेटे ये तो गया, जा इस कान को उठा ले ले इसमें। हाँ डैडी। बेटा तू तो गया बाहर। आखिर साले ने मौत को दावत दे ही दी। हमें पहचाना नहीं, हम जगीरा है। ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं, अगर मानता तो मौत को नहीं दावत देता। मुंशी जी ये पेपर रखो और वहां हम इमारत जरूर खड़ा करेंगे। चल बैठे। नजारा है, नजारे के साथ नदी का किनारा है। मुंशी कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बचाओ बचाओ, कहाँ ले जा रही हूँ मुझे? बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, कहाँ ले जा रही हूँ मुझे? बचाओ, बचाओ, बोलो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, काल, अरे तो मेरी बेटी सिमरन है। Thank you.
आपके सिवा कौन है मेरा इस दुनिया में? आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए बाबा? उठो ना बाबा। अच्छा बचाओ मेरे बाबा को। क्या क्या हुआ चाचा को? चाचा क्या हो गया? क्या कौन मारा? मुझे नहीं पता, ये एक आदमी था मेरे, उसके चेहरे पे पट्टी लगी हुई। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ खून हो गया साहब। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, मैं पुलिस चौकी चलता हूँ, देखते हैं क्या करता हूँ। ठीक है ठीक है, देखते पता लगाते हैं मुझे। हवालदार कदम, यहाँ पे ड्यूटी बराबर हुई है सर? ड्यूटी बराबर हो रही है, यहाँ पे एक मर्डर हुआ है। अच्छा, ये कौन है? ये है कौन? ये सर कोई खान करके थे जो है चाचा, खान चाचा का मर्डर हुआ है। ऐसा है क्या? कहाँ रहता है, किधर रहता है, कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, अभी पता नहीं चला है। तो किधर का है ये? ओके सर। कदम तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन आओ। ओके सर। करण बेटा कहाँ है? अभी तक आया नहीं। डैडी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों, घर छोड़ने कोई वजह? ऐसे ही कुछ तो कारण होगा बेटा कि तू घर छोड़ के जा रहा है। नहीं रहना है मुझे। कि मैं तुझे रास्ते से लाया था और तू इतना बड़ा, तुझे किया पढ़ाया लिखाया, एजुकेशन दिया और तू घर छोड़ के जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। हाँ, रस्ते का माल सस्ते में। क्या मतलब? अरे इसे रोड से उठा के इतना बड़ा किया और आज हमें गुस्सा आ रहा है कि लड़का छोड़ के मुझे जा रहा है। पढ़ाया लिखाया बड़ा किया इनको और बेन वजह वो घर छोड़ के जा रहा है, कुछ कारण नहीं बता रहा है मुझे। गुस्सा तो आ गया मुंशी जी। से जिसको ढूंढ रहे थे ना वो यही मिले, मुल्ला की दोन मस्जिद तक। जिसको ढूंढना था वो गली में पीछे है, पकड़ो उसे। और मुल्ला की दोन का मस्जिद तक जाओ, पकड़ो उसे और पकड़ के मेरे हाथ में लेके आओ। ना छोकरे को छोड़ना ना लड़की को। जकीरा बोल रहा है। बैठे ले। चल 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 च
जगीरा हमें मुंह मांगी कीमत देगा। भाया उठ पहाड़ के नीचे। जगीरा से बच के जा रहा था बहुत समझाया तुझे, जो काम के लिए तुझे भेजा था वो काम तुमने खराब कर दिया। मेरे कहने पर नहीं चला तू और आखिर मेरे छोकरे मेरे से बच के आज तक परिंदा भी नहीं जा सकता। तू कौन सी खेत की मीरी है हाँ? भाग रहा था मुझसे बच के। सालों को बांध दो इसको। अरे बुलबुल, मैं तो तेरा चुलबुल हूँ और मेरे से बच के कहाँ जाओगी? छोड़ मुझे शैतान। पापी, तुझे मारने के लिए तो राहुल ही काफी है। राहुल क्या करेगा? शैतान और इंसान का फर्क तो सिर्फ जगीरा ही राहुल को बताएगा और ये क्या मेरा कुछ बिगाड़ेगा। आजकल कलाना छोड़ कर रहा हूँ, इससे टक्कर लेने आया था, मेरे लौंडे ने तक पकड़ ही लिया ना। तेरी मौत मेरे हाथ से लिखी है, समझना आज तेरा दिन पूरा हो जाएगा। क्यों साथी? जगीरा से आज तक कोई नहीं बचा और तू छोकरी को लेके भाग रहा था, आखिर पकड़ा ही गया ना। छोकरे तू तो लावर इस तरह पड़ा था रोड पे, मैंने तेरे को अपना नाम दिया, इज्जत दी, शौहरत दी और अच्छे मुकाम पे तेरे को पहुंचाया और तूने मुझसे गद्दारी की, जगीरा से गद्दारी की। भगा दिया उसकी सजा, बच सके तो बच, नहीं बचेगा तू मुझसे, नहीं मेरे तेरे साथियों तुझे कहीं भी जाएगा ढूंढ के लाएगा, ढूंढ के, समझा? छोकरी तू जानना चाहती थी ना तेरे बाप का कातिल कौन है? ये तेरा आशिक भोला बारा है? आहा, यही है तेरा बाप का असली कातिल। पूछ इसे, ये मत भूल, कातिल मैं तो था लेकिन इस काम का अंजाम का इशारा देने वाला तू था। सिमरन मैं बेगुनाहगार हूँ, तेरे बाप का कातिल ये जोगीरा है। तेरी बात के कोई यकीन नहीं करेगा, तेरे पास कोई सबूत है कि मैंने तुझे कहा था खून करने के लिए? है तेरे पास कोई सबूत? बोल। कोई सबूत नहीं तेरे पास। टोकरी तेरे सामने तेरा बाप का कातिल खड़ा है, ले मार दे उसे सब गोली, छह की छह गोलियां और खत्म कर इसे। कर दे इसे खत्म, यही तेरा बाप का असली कातिल। राहुल तो मेरी जिंदगी का एक ही सहारा है, तुझे मार के इस दुनिया का पाप खत्म कर दूंगी मैं। जगीरा तू इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है, तुझे मारने से इस दुनिया का पूरा पाप मिट जाएगा। भाग के साले सब ना मार्द लोग।